बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यास्मीन। वेलकम करती हूँ आप सबको मेरे चैनल कुक विद लव एवरीडे में। आज मैं बनाने वाली हूँ मिन्स फिल्ड डोनट्स। चलिए जल्दी से इसकी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे इसकी डो बनानी है, तो मैंने यहाँ पे 2.5 कप मैदा लिया, एक बाउल में से ऐड करूँगी। चीनी ली है मैंने 1 टेबल स्पून, पिंच ऑफ सॉल्ट लिया मैंने, जीस्ट लिया मैंने 15 ग्राम, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। इन सबको डालने के बाद जो ड्राई चीज़ें हमने डाली हैं उनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक अदद मैंने अंडा लिए, हल्का गरम मैंने दूध लिया है 180 ml, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। वेजिटेबल ऑयल लिया है इसमें मैंने, 2 से 3 टेबलस्पून में इसमें तेल शामिल करूंगी। सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसकी डो तैयार कर लूँगी। मुझे डो इसकी ना तो ज़्यादा हार्ड चाहिए और ना ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम डो इसमें चाहिए। अगर आपको लगे कि आपकी डो बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप उसमें हल्का नीम गर्म जो पानी है वो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको तैयार कर लेंगे। तैयार हो चुकी है, इसी बाउल में मैं ऑयल लगाऊंगी हल्का सा। अब इसके ऊपर मुझे प्लास्टिक लगाना है 45 मिनट के लिए। मैं इसको डोनट्स के लिए मुझे मीट बॉल चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बीफ का कीमा लिया, 2 टेबलस्पून मेरे पास हरा धनिया है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 अदद अंडा, 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है और इसको ग्रेटर की मदद से मैंने ग्रेट करके डालना है अच्छी तरह से। प्याज को मैंने ऑलरेडी ग्रेट करके डाल दिया है। लहसुन के जवे लिए मैंने 2 अदर, इनको भी मैं ग्रेट करूँगी। लहसुन को भी मैंने इसमें डाल दिया। ब्लैक पेपर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, पिंक सॉल्ट 1/2 टीस्पून। आप स्पाइस इसमें अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, पुदीना मैंने पाउडर इसका लिया यहाँ पे 1 टीस्पून। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इसमें फ्रेश भी डाल सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब लिया मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून। डालने के बाद मुझे इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। कीमे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, अब मुझे इसके बॉल बनाने हैं। मीडियम बॉल, ना बहुत ज़्यादा स्मॉल हो ना बहुत ज़्यादा बड़े में, ये देखें स्मॉल, जैसे कोफ्ते हम बनाते हैं इसी शेप के मुझे बनाने हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे मीट बॉल तैयार कर लिए हैं। मैंने 25 बॉल बनाए हैं इसके। 45 मिनट हो चुके हैं, मैदा हमारा बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है। मैंने कीमे के 25 बॉल बनाए हैं और मुझे मैदे के भी 25 बॉल ही तैयार करने हैं। देखिए जैसे सर्कल में 25 बॉल इसके भी तैयार करूँगी। मैंने इसी तरह से मैदे के बॉल भी बना लिए हैं। अब मुझे 1 by 1 इसको उठा के बेलना है कैसे जैसे। ये देखिए मैंने एक रोटी की तरह इसको बना लिया। अब मीट बॉल को मैं इसके अंदर रखूँगी और इसको मैंने ऊपर से बंद कर देना। दोबारा से जैसे ये बॉल की शेप में आ जाएगा, मुझे सारे इसको फिल करने हैं इसी तरह से।
अगर हाथ की मदद से आपको हार्ड लगे तो बिलिंग की मदद से इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें, जैसे छोटी रोटी की तरह। और इसके बाद जो मीट बॉल है आप इसको अंदर रखें, और ये जितना भी एसिस इसके ऊपर आ रहा है मैदा, इसको हम रिमूव कर देंगे इसकी तरफ से। ये इसको आप उतार दें। ये हमारे पास एक स्मॉल बॉल जो है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया, आपकी चॉइस है आप सर्कल में लेना चाहती हैं या स्क्वायर में लेना चाहती हैं। ऑलमोस्ट एक टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल, वेजिटेबल ऑयल शामिल किया, जिसको मैंने सारी ट्रे में फैला देना। ब्रश करने के बाद जो मीट बॉल मैं तैयार कर रही हूँ उनको इसमें मैंने रखते जाना वन बाय वन करके ऐसे। ये देखिए मैंने सारे इनके अंदर रख लिए। मैंने बेकिंग ट्रे को चेंज कर दिया क्योंकि वो मुझे स्मॉल लग रही थी। अब मैं इसको बेकिंग के लिए रखूँगी 325 फ़ारेनहाइट पे। अब इसके लिए मुझे एक सॉस बनानी है। मैंने दही लिया यहाँ पे 2 टेबल स्पून, टोमेटो पेस्ट लिया मैंने 2 टेबल स्पून, वेजिटेबल ऑयल में इसमें डालूंगी 3 टेबल स्पून। सारी चीज़ें डालने के बाद मुझे इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इसका गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। मैंने इसको 325 पे थोड़ी मिनट बेक किया था। सॉस जो मैंने मिक्स की थी वो मैं आप इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी। ये देखें सॉस को मैंने इसको अच्छी तरह से इसको कवर कर दिया। हरा धनिया लिया है मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 से 3 टेबलस्पून, ये मैं इसके ऊपर डालूँगी। आप इसको डिनर के लिए बना सकते हैं, लंच के लिए बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ है। ओके, धनिया डालने के बाद मैंने यहाँ पे चीज़ लिए 300 ग्राम मैंने लिए, आपकी चॉइस है जो चीज़ आप या आपके बच्चे पसंद करते हैं आप वो इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से चीज़ डालूंगी। देखिए मैंने इसके ऊपर चीज़ अच्छी तरह से स्प्रेड कर दी है, आपकी चॉइस है। अगर आप चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चीज़ ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं। मैं इसको मीडियम में रखूँगी। मैं अभी इसको 350 फ़ारेनहाइट पे 15 मिनट के लिए फिर से बेक करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है रूम टेम्परेचर पे। मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया। ये देखिए मैंने इसको अभी बहुत ज़्यादा गर्म है वो, ये देखिए मैंने इसको कट कर लिए। बहुत ही मज़े के, बहुत ही सॉफ्ट बने। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट टाइम फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।